इनको पांचवा धाम के नाम से भी जाना जाता है। इनको बाबा धाम के बाद इन्हीं का नाम है पांचवा धाम, पांचवा धाम, इसलिए ये भी विख्यात हैं, पंचमुखी हैं, स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए हैं, ये बनावटी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे बाबा जी ने हमको महाकाल बनाया। तो दोस्तों अभी हम इस टाइम आ गए हैं जो कि इटहिया, यहाँ पे सावन में इतना ज़्यादा भीड़ लगता है, लेकिन अभी इस टाइम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई यहाँ पे कोई पब्लिक बहुत कम है, और हम आपको यहाँ का एक छोटा सा व्यू दिखाते हैं जो कि पब्लिक है या भी नहीं है। तो आइए वो छोटा सा व्यू आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम आपको वो व्यू दिखा दिए, अब आइए मंदिर की बारी है, तो हम मंदिर दिखाते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों हम आपको मंदिर दिखा दिए जो कि पीछे देख सकते हैं हमारे, वो मंदिर है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे और अंदर का जो भी सीन होगा हम आपको दिखाएंगे, तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको। तो अभी हम आ गए अंदर जो कि यहाँ देख सकते हैं मंदिर का गेट है और वो पीछे हमारे मंदिर दिख रहा है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और अंदर का सीन कुछ जो भी जैसा होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं उसके अंदर, गेट के एंट्री करते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हम आ गए, वहां से हम आपको एंट्री करा दिए और यहां पर चलते हैं जो कि यहां पे जो कि हम शंकर भगवान का दर्शन कराते हैं आपको। और यहाँ का छोटा सा व्यू हम आपको तो दिखाए हैं और यहाँ पे हम आपको शंकर जी का दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे एकदम भीड़ बहुत कम है, कम क्या, साफ कुछ भी नहीं है, हम ही दो लोग आए हैं और यहाँ पे कुछ बाबा बैठे हैं, तो बाबा से पूछेंगे और आपको जो भी कुछ होगा हम आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगे। ये है डम जो कि इसको बजाया जाता है और यहाँ पे दान पत्र। और अभी हम आ गए हैं जो कि अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा भी जो कि शंकर जी का है। तो सबसे पहले यहाँ आशीर्वाद लेते हैं और तो दोस्तों हम इसके अंदर आ गए और हमारे नीचे पीछे देख सकते हैं जो कि यहाँ शंकर जी का, जो कि ये सावन में आएंगे तो आपको यहाँ पे कोई भीड़ बहुत काफ़ी होता है जो कि आप यहाँ दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा टाइम पर आए हैं और यहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं और हम एकदम आसानी से यहाँ दर्शन कर लिए हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा दिए हैं। तो आइए और चलते हैं बाहर और बाहर का भी आपको व्यू हम दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं हम आपको अंदर का सीन दिखाए हैं और अंदर से बाहर आ गए हैं जो कि हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू है और यहाँ पे जो भी कुछ है हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ भक्त और श्रद्धालुओं के लिए ये जगह बैठने के लिए जगह है और वहाँ पर बाबा सोए भी हैं और उसके पीछे भी मंदिर है जो कि चतुर्भुजी माता का मंदिर है। तो हम भी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, तो यहाँ पे माँ गौरी गणेश जी का ये मंदिर है, तो हम चलते हैं इसमें और आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दान पात्र है और यहाँ पे जो कि इसको घंटी लगाया जाता है और ये माँ गौरी का जो कि इसमें फेस हमारा आ जा रहा है, और लेकिन फिर भी इसमें लाइट होता तो हम आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ का व्यू ऐसा है। Thank you.
तो दोस्तों जो भी यहाँ कुछ भी था हम आपको दिखाए, और बाबा से चलते हैं, मिलते हैं बाबा, देखते हैं क्या बात करते हैं या नहीं करते हैं। वहाँ पे बाबा बैठे हैं, हम आपको बाबा जी को, बाबा जी के पास चलते हैं और बात करते हैं। वहाँ पे बाबा जी हैं, यहाँ पर भी एक मूर्ति है जय महाकाल घुई घर, जो कि अंदर का भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं बाबा जी के पास, जो कि वहाँ बाबा बैठे हैं। तो आइए चलते हैं बाबा जी के पास, तो बाबा जी का सबसे पहले आशीर्वाद लेते हैं। तो बाबा आप हमको ये बता दीजिए, ये मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हम भी मंदिर के बारे में कुछ जान सकें। यह मंदिर बहुत पुराना है और भगवान शिव जो है स्वयं प्रकट हुए हैं, पंचमुखी हैं, ये कोई बनावटी नहीं है। यह बड़े दूर दूर से लोग इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन में त्रिवेणी से जल भर करके ला करके इनको जो है कि लोग चढ़ाते हैं और मन वांछित फल पाते हैं। और ये जो है स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए हैं, बनावटी तो है नहीं, इसलिए इनको पांचवा धाम के नाम से भी जाना जाता है। इनको बाबा धाम के नहीं का नाम है, पांचवा धाम। इसलिए ये भी विख्यात हैं, पंचमुखी हैं, स्वयं पृथ्वी से प्रकट हुए हैं, ये बनावटी नहीं है और कुछ। तो बाबा मंदिर के बारे में आपको सब कुछ बता दिए, जो कि यहाँ बाबा बताएं कि ये पांचवा धाम है। तो बाबा बहुत बहुत जो कि धन्यवाद आप बताएं और आप हमें बताएं, हमको क्योंकि पता नहीं था लेकिन आपके द्वारा हमें कुछ पता चल गया। सावन बहुत भीड़ रहता है बाबा जी ने यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, लोग आते हैं और त्रिवेणी से जल भरते हैं, त्रिवेणी से, और ला करके यहाँ संकल्प करके समर्पित करते हैं और मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे बाबा जी ने हमको महाकाल बना दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों जो मंदिर है उसके जो गेट है, मेन गेट है, उसके ऊपर हम लोग आ गए हैं, जो कि यहाँ पे ग्राउंड भी थोड़ा जगह है, जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चेयर और यहाँ पे एक तख्ता भी लगाया गया है और बाकी चेयर है, जो कि यहाँ पे अभी पब्लिक कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों को टाइम मिला और बाबा से पूछे, ताकि बाबा बोले कि हाँ जाओ घूम सकते हो आराम से और बाकी कुछ कर नहीं सकते। तो आइए यहाँ से आपको एक छोटा सा व्यू दिखाते हैं और व्यू भी दिखाते हैं कि कितना खतरनाक यहाँ से व्यू आ रहा है। और अभी हम यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहे हैं, वहाँ से हम लोग कम से कम ये 15-20 फीट तक हाइट पे है और पीछे मूर्ति है, जो कि वो शंकर जी का वहाँ पे मंदिर है। अभी हम आपको एक बार पूरा अच्छे से व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग अंदर का पूरा वीडियो बना दिए और चलते हैं अब बाहर, जो कि वहाँ देख सकते हैं, और हम लोग ये गेट पर आ चुके हैं और यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। तो दोस्तों हम आपको पूरा यहाँ का सीन दिखा दिए, जो कि छोटा वटा जो भी व्यू था हम आपको दिखाए, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने भाई का सपोर्ट करते रहेगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।